हर आने वाले तूफान से पहले एक जानलेवा खामोशी छा जाती है। फर्स्ट टाइम देखने के बाद कोई जिंदा रहता ही नहीं, दोबारा मिलने का चांस ही नहीं देता मैं। फर्स्ट टाइम देखने के बाद एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है मिस्टर गेमर वॉइस में। आज की स्टूडियो में मैं बात करूँ भाई थैनोस की सोल्ड एंड की आर्ट और फिर उसके बाद टीयर फोर कौन होगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले भाई थैनोस की तलवार, जो ये यूनिफॉर्म में आप देखोगे, मैं फर्स्ट टाइम में थैनोस को तलवार के साथ देखा और इन गेम मतलब मारो फिर फाइट में थैनोस आने वाला तलवार के साथ, क्योंकि किसी और में ये सब ऐसे ब्लेड पकड़े मतलब अपने हाथ में, वो भी एक सोल्ड ही बोलते हैं लेकिन इसके हाथ में ये ब्लेड की तरह है ऑफकोर्स, और ये भी सेम टू सेम ब्लेड की तरह है। यहाँ पे इसके पास इन्फिनिट स्टोन है, इसके पास भी इन्फिनिट स्टोन है, इसके पास भी है, और जो अपना फार्मर वाला यूनिफॉर्म है इसके पास ऑफकोर्स खेती करने का औजार है। ठीक है, समझ गए मतलब समझ जाओ, फौड़ा वड़ा बोलते हैं इसको, और जो बोलते हैं भाई कमेंट कर देना। और बात रही भाई अब ये थैनोस आ रहे तलवार के साथ, ये तलवार क्या है, कितनी पावरफुल है, ये थोड़ा मैं आपको समझाऊँ। मैं जितना भी सर्च किया ना, यहाँ पे तलवार एक्चुअली में ये जो आप रेड रेड देख रहे हो, ये शटर से मतलब शटर के पावर से बनी हुई ऐसी तलवार है, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ बल्कि, क्योंकि तलवार के साथ मेरे को थैनोस कहीं दिख नहीं रहा, एक जगह दिखा था एक कॉमिक में, और एक्चुअली वो कॉमिक का नाम कुछ थैनोस वर्सेस थैनोस कुछ ऐसे ही था, क्योंकि थैनोस ने यहाँ पे अपने ओल्ड वेरिएंट के साथ लग रहा है, मतलब ओल्ड एज थैनोस वर्सेस यंग एज थैनोस, फॉर एग्जांपल ये मतलब तुम समझ लो ये थैनोस है और एक बुड्ढा थैनोस है, वो दोनों लड़ रहे हैं और दोनों के बीच में एक तलवार है जो कि शटर की है। देखो गाइस, ये शटर के हाथ में तलवार है, एक्चुअली में ये गेम में थोड़ी अलग तलवार दिख रही है, लेकिन जो मैं वो कॉमेंट में देखा ना, आप सर्च कर लेना भाई थैनोस सोल्ड मार्वल या फिर मार्वल थैनोस की जो भी सोल्ड होगी, फिर थैनोस वर्सेस थैनोस भी सर्च कर लेना, गूगल पे पता चल जाएगा। और मैं जो देखा भाई, उसके हाथ में है शटर की सोल्ड और उसके हाथ में फायर, मतलब तलवार के अंदर वो फायर लगा हुआ है, मतलब आग लगी हुई, समझ गए तुम, सोल्ड के अंदर फायर कर रहे हैं। और तुम ऐसे समझ सकते हो ये जो अपना एक्स ऑफ सोल्ड है, ये जो आप ऐसे तलवार देखो ना, ये एक्चुअली में ये है या फिर ये है, मेरे हिसाब से ये ऑरेंज वाली तलवार बेस्ट है, मतलब बेस्ट क्या बोलूँ, ऑरेंज वाली तलवार ही है जो मैंने एक्चुअली कॉमिक में देख के आया अभी। ठीक है, और बात रही यहाँ पे अगर इसके हाथ में भाई ये वाली तलवार आ रही है थैनोस के, तो भाई ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, मतलब ऐसा नहीं कह सकते भाई तलवार के साथ लूकोन क्या बोलूँ मैं, तलवार के साथ बहुत ज़्यादा एकदम फाड़ू लग रहा है, आने के बाद देखेंगे भाई, जैसे सिल्वर सर्फर भी फाड़ू लग रहा है लेकिन पीवी में पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन हाँ, बात की बात रही कि यहाँ पे थैनोस आ रहा है और ये नवा यूनिफॉर्म है, नवा एनिमी बन के आ रहा है, लेजेंडरी वर्ल्ड बॉस नहीं हूँ वर्ल्ड बॉस में, ओके नया वाला वर्ल्ड बॉस में। और फिर उसके बाद हम बात करना चाहते हैं ये ज़्यादा असिस्टेंट के बारे, भाई की आर्ट क्या होगा, मतलब ऑफकोर्स की आर्ट मंडे के दिन आएगा 25 मार्च को, की आर्ट आने दो ही कैरेक्टर हैं, दो ही ओके। अब ब्लैक स्टोन कैसे दिखेगी कियार्ड में, नो आइडिया, लेकिन वहाँ पे हमको ज़्यादा फोकस कराया जाएगा कियार्ड में, बताऊँ किसका, नया वर्ल्ड बॉस, नया या न्यू वर्ल्ड बॉस तुम बोलो, उसके अंदर जो हमें ज़्यादातर कियार्ड में वो दिखाएगा। और एक तरफ अपना थैनोस अपनी तलवार लिए हुए चमकते हुए एकदम स्वैग में खड़ा होगा, और सामने ब्लैक सोंड अपने मैजिक से अपने पूरे के पूरे चमका रही होगी, बाल सफ़ेद, ओके। और वो फिर बात की बात है, और फिर इसके बाद हमें कियार्ड भाई तगड़ा दिखाया जाएगा, जो आप थंबनेल में भी देखे होंगे, आई थिंक मैं थंबनेल में जो ज़्यादातर कोशिश की हूँ कियार्ड के बारे में बताने की। और बात रही यहाँ पे है नेक्स्ट टीयर फोर कौन होगा, क्योंकि यहाँ पे भाई यहाँ पे खाली दो ही कैरेक्टर आ रहे हैं, दो ही कैरेक्टर क्या, एक कैरेक्टर और एक यूनिफॉर्म आ रहे हैं। अगर नोटिस किए होंगे तो यहाँ पे देख लो, ये है लास्ट स्नैक पिंग, मैंने भाई कितने धार वीडियो में बोल रहा हूँ भाई लास्ट स्नैक पिंग ही डाले, खाली दो स्नैक पिंग आए, मार्च अपडेट दो स्नैक पिंग आए, पैच अपडेट डिटेल छोड़ दिए और लास्ट में सब बताएंगे। और फिर यहाँ पे सिर्फ दो कैरेक्टर, ओल्ड किंग यूनिफॉर्म, फिर उसके बाद अपने न्यू कैरेक्टर जो कि एकदम जो कि ब्लैक सोंड, और ये ब्लैक सोंड आने वाली है एक नंबर ऑफ नेटिव टीयर 3 होके, मैं एक्सपेक्ट किया था नेटिव टीयर 4 थोड़ा स्टार, बट मैं भी क्या बोलूँ यार, मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट ठीक है टीयर 3 हो गया नेटिव, देखते क्या करेगी। और फिर उसके बाद अब इसको टीयर 4 देते हैं कि नहीं, नो आईडिया, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ की बहुत सारी चांस है कि अगर तुम जो ये डाल रहे हो इसको ब्लैक सोंड को, तुम इसको टीयर 3 नेटिव घोषित मतलब कर दिया अनाउंस, ठीक है, लेकिन अगर इसको टीयर 3 के साथ साथ इसको टीयर 4 भी दे दिए, तो मतलब इसी अपडेट में थैनोस ऑलरेडी टीयर 4 है भाई, लेकिन इस अपडेट का टीयर 4 कहाँ, यानी इस अपडेट मार्च अपडेट मेन अपडेट का टीयर 4 कैरेक्टर कौन होगा, अगर वो ब्लैक सोंड होती तो ठीक है भाई, वो आ रही है वो एकदम टीयर 4 हो जाएगी, और कितना परफॉर्म कितना अच्छा करेगी, अपने लुक के जैसा भी अगर परफॉर्मेंस करते तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई अप्रैल पूल आ रहे हैं, ओके, अगर इन लोग ब्लैक स्टोन को टीयर 4 डायरेक्ट देते नहीं, मतलब इतनी जल्दी नहीं भाई गेम के अंदर आ गए लेजेंडरी वर्ल्ड बॉस में और हम फाइट करें और वो टीयर 3 से डायरेक्ट टीयर 4 जंप हो गया, तो थोड़ा कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, नहीं करेंगे तो भाई नेक्स्ट कौन होगा टीयर 4, फार्मर का यूनिफॉर्म आने बोल दिया, स्पेशल यूनिफॉर्म अप्रैल पूल, इसके साथ एक पे वाला यूनिफॉर्म आई थी, इसके साथ आई थी ये यूनिफॉर्म जो कि भाई स्पाइरल गर्ल, ये है भाई एक्चुअली मैं टोकन वाला यूनिफॉर्म, एक्चुअली बोलते पे वाला यूनिफॉर्म बोलते हैं इसको, पैसे मतलब रियल मनी स्पेंड करना, फिर आपको पैक परचेस करके वो टोकन मिलेंगे, वो टोकन से आपको यूनिफॉर्म बाय करना है, मतलब टोकन एक्सचेंज करके, ठीक है। और इस महीने भी यहाँ पे आया है एक टोकन,
ये अप्रैल पुल का टोकन है, ठीक है। अप्रैल पुल स्पेशल यूनिफॉर्म जब आएगा ये हमको टोकन मिल जाएगा, और इसी टोकन से हमको मिलेगी ये कैरेक्टर मतलब स्क्वाडल गल का यूनिफॉर्म मिलेगा, ठीक है। और ये स्पीड है, और एक्चुअली में टीयर 3 हो गई थी जब पिछले साल 2023 अप्रैल पुल में थानोस टीयर 4 हुआ था, फार्मल वाला यूनिफॉर्म आया था और ये भी टीयर 3 हो गई थी, ठीक है। इसका स्किल स्किल भी भाई अच्छी खासी है, बट इसके यूनिफॉर्म में है भाई सपोर्ट, मतलब समझो ये एक सपोर्ट यूनिफॉर्म है जो कि पे वाला यूनिफॉर्म है स्क्वाडन गल का। और यहाँ पे थैनोस को बहुत तगड़ा सपोर्ट दे रही है, इंक्रीज बेसिक डैमेज डल टू बॉस टाइप 60%, वो भी सिर्फ थैनोस को देगी किसी और को नहीं, ठीक है। तो मतलब सपोर्ट देने की बात कर रहा हूँ जो इसके यूनिफॉर्म इफेक्ट में है, समझे। और ये जो सपोर्ट है थैनोस के लिए परफेक्ट है, लेकिन वर्ल्ड बॉस लेजेंड और GBRE तक सीमित रहेगा। हाँ ये अगर यूनिवर्सल एलियन होती तो बात अलग हो जाती, लेकिन ये स्पिरिट ह्यूमन कैरेक्टर है, यहाँ ये सुपर विलन है, ये बात अलग हुई, ये सुपर विलन है। अब ये बात रही यहाँ पे कि अगर तुम इसको टीयर 4 दे रहे हो, क्योंकि अभी देखो अभी मैं एग्जांपल देना शुरू कर दे रहा हूँ कि जो जनवरी अपडेट आया था उसके अंदर मेन अपडेट में न्यू एपिक क्वेस्ट आया था, गॉब्लिन क्वीन वाला एपिक क्वेस्ट, ठीक है। उसके अंदर कोई टीयर 4 नहीं था एपिक क्वेस्ट से, ओके। और वहाँ पे किसको टीयर 4 दिए थे, ना कोई स्नेक पिंग में आया था, ना कोई किसी कहीं पे भी वो आए नहीं थे, सब लाइव स्ट्रीम में हमें छोड़ दिए थे कि साइप्लोक होने वाला है भाई टीयर 4। वाओ यहाँ पे देख लो साइप्लोक डायरेक्ट टीयर 4 हो गया, ना कोई स्नेक पिंग में दिखाया, ना यूनिफॉर्म कुछ नहीं आया, डायरेक्ट उसको टीयर 4 जमते दिए साइप्लोक, क्योंकि वो एक लीडरशिप और एनर्जी अटैक लोगों के लिए बेस्ट सपोर्ट है, ये समझ गए। एनर्जी अटैक के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, और लीडरशिप तो ऑल अलायंस को ऑल बेसिक अटैक देते, तो बहुत अच्छा सपोर्ट और लीडरशिप टीयर 4 हुआ। अब इस अपडेट में भाई, इस अपडेट में सिर्फ दो ही कैरेक्टर आ रहे हैं, मतलब एक यूनिफॉर्म आ रहा है, एक नवा विलन आ रही है। अगर वो टीयर 4 नहीं हुई तो अगेन यहाँ पे एक लीडरशिप या सपोर्ट कैरेक्टर को टीयर 4 देने का चांस है। और यहाँ पे अगर इन लोग को अपना स्क्वाडन गल का एक बोलो तो परचेस करने के लिए कुछ करना है तो स्क्वाडन गल को टीयर 4 दे सकते हैं, क्यों, ये एक स्पीड सुपर विलन ह्यूमन है इस यूनिफॉर्म के साथ, ओके। तो ये स्पीड विलन में काम आ जाएगी, और स्पीड विलन में अभी अपनी मिस्टिंग भी है। अब यहाँ पे सीधा सीधा से मिस्टिंग से कंपेरिजन होगा, अगर इसको तुम टीयर 4 देते हो तो ये एक थैनोस के लिए बेस्ट सपोर्ट भी साबित हो जाएगी, जो कि नया लेजेंडरी वर्ल्ड बॉस आ रहा है उसके अंदर, तो यहाँ पे कर सकती है। और इसका जो हम देखा जाए तो ये पूरा आपके सामने है, फीमेल ह्यूमन सुपर विलन ये कैरेक्टर है और स्पीड टाइप है। तो ये आप समझ के चलो कि अगर इसको टीयर 4 मिलता है तो ये अच्छा काम कर देगा। ABL ABX से जो इफेक्ट है भाई वो इसके है स्किल में, थोड़े स्किल में है, तो वो समझ को करो काम चल जाएगा जब अपने स्पीड विलन का रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। अब बात है तो इसको टीयर 4 दे सकते हैं, या इसको नहीं दिए ना इस ब्लैक स्टोन को दिए, तो भैया तुम समझ जाना वो कोई लीडरशिप या सपोर्ट कैरेक्टर आने वाला है टीयर 4 के, जैसे साइप्लोक को दिए थे नो स्नेक पिंग नो यूनिफॉर्म, सिर्फ यूनिफॉर्म लाइव स्ट्रीम में हमें बोल दिया भाई साइप्लोक होने वाला टीयर 4 और बस खत्म, और यही साइप्लोक टीयर 4 हो गया और ये एक लीडरशिप एंड सपोर्ट। तो ऑफकोर्स ये एनर्जी अटैक वालों के लिए भाई बहुत लीडरशिप एंड सपोर्ट भी दे रहा है, जो कि आपके सामने इसके पैसिव में एनर्जी अटैक में 40% इंक्रीज ऑल अलायंस को, और फिर इसके लीडरशिप में हमारी जो कि है ऑल अलायंस को ऑल बेसिक अटैक 45% इंक्रीज। तो ये समझ जाओ कि एक लीडरशिप बेस्ट हो चुका है टीयर 4, ओके, लीडरशिप एंड सपोर्ट बेस्ट टीयर 4 हो चुका है। अब दूसरा यूनिफॉर्म अगर मैं बोला ना, अगर लोग स्क्वायर गर्ल का यूनिफॉर्म अगर लोगों से परचेस करवाना चाहते हैं, मतलब जो स्पेंड कर सकते हैं उनकी बात करूं, तो ऑफकोर्स वो कर सकते हैं, मतलब वो इसको टीयर 4 दे सकते हैं, ओनली टीयर 4, और वो भी काम आ जाएगी ABX में या फिर ABL में भी, या फिर बोलूँ के अलावा कोई दूसरे भी दे सकते, क्योंकि अप्रैल पुल भाई बहुत पास आ रहा है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ अप्रैल पुल में आ रहा है, तो ऑफकोर्स इसको सेल करना, इसको मतलब लोगों को परचेस करवाने के लिए कुछ ना कुछ अपडेट तो करना पड़ेगा ना। अब थैनोस की तरह थोड़ी तुम करोगे कि दूसरा यूनिफॉर्म दे दूंगे, थैनोस का ये यूनिफॉर्म आया एक साल भी नहीं हुआ भाई, उसका नया यूनिफॉर्म आ रहा है और वो तलवार के साथ भाई मैं बोलूँ तो क्या फाड़ेगा मुझे नहीं पता, स्किल और लास्ट में पता चल जाएगा। बात करें तो स्क्वायर गोल अगर होना चाहे तो टीयर 4 हो सकती है स्क्वायर गोल, उसका यूनिफॉर्म लेना है अप्रैल पुल का, ये यूनिफॉर्म आने वाला है। अब ये तो PvE मेटा, मैं कब से बोल रहा हूँ, एक साल हो चुका PvE मेटा, वो नवा यूनिफॉर्म आएगा तलवार के साथ, वो PvE में क्या करता है नो आइडिया, अपडेट आएगा तभी पता चलेगा। अपडेट आएगा तो आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करो, क्योंकि वहाँ पे आपको जब भी अपडेट आएगा मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा, मैं की आर्ट देखूँगा, मैं सब कुछ देखने के बाद आपको वीडियो बनाऊंगा, लाइव स्ट्रीम करेंगे, सब चीज़ होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना, वीडियो पसंद आई लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और तब तक लेके आए टाटा गुड बाय, टेक केयर, सब चीज़ आपको पता चल गई, थैनोस का सो, टेक केयर, थैंक यू वॉच, बाय।